फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन ब्रिटेन में इस हफ्ते से 8 लाख लोगों को देना शुरू कर दिया जाएगा। भारत में भी इसकी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने की मंजूरी के लिए आवेदन दे दिया गया है। इसी के साथ ही इसे लेकर कई सवाल लोगों के मन में है। इसे कैसे दिया जाएगा और कब तक इसका असर जारी रहेगा? ब्रिटेन में अब तक के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के लिए क्या तैयारी की गई है, यहाँ डालते हैं एक नजर। कैसे दी जाएगी वैक्सीन? वैक्सीन की खुराक इंजेक्शन के जरिए बांह के ऊपरी हिस्से में दी जाएगी। इसके 21 दिन के बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहले खुराक के 12 दिन बाद और पूरी तरह से दूसरी खुराक के 7 दिन बाद मिल सकेगी। अभी तक के एनालिसिस में पता चला है कि वैक्सीन के 95% लोगों को कोविड-19 से बचाया जा सकता है। वहीं बुजुर्गों में इसका असर 94% लोगों पर रहा। इससे मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। पहले चरण में किसे दी जाएगी वैक्सीन? पहले चरण में ब्रिटेन में केयर होम में रहने वाले बुजुर्गों और कर्मियों, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और सोशल केयर कार्यकर्ताओं, 75 साल या उससे ज्यादा, 65 साल या उससे ज्यादा, 16 से 64 साल की उम्र के लोगों जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा हो, 60 साल या उससे ज्यादा, 55 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों और आखिर में जनवरी तक 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन से कोई खतरा? वैक्सीन के ट्रायल में इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। कुछ लोगों में बाहों में दर्द, बुखार या मांसपेशियों में दर्द देखा गया, लेकिन ये ज्यादा चिंताजनक नहीं रहा। ब्रिटेन में मेडिसिंस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी किसी भी तरह के गंभीर असर को मॉनिटर कर रही है। वहीं वैक्सीन देने के 15 मिनट के बाद लोगों को रुकना होगा ताकि किसी रिएक्शन को रजिस्टर किया जा सके। क्या वैक्सीन होगी काफी? WHO के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नबारो का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ अतिरिक्त नियंत्रण का तरीका है। ये कई महीनों या एक साल तक दूसरे तरीकों की जगह नहीं ले सकती, इसलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क पहनने और बीमार पड़ने पर आइसोलेट होने जैसे तरीकों का पालन करना ही होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।